नमस्कार दिव्य और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम सेकंड यूनिट शुरू करने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सो जिसमें हमारा फर्स्ट सेशन आता है मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। थोड़ा सा हम मोटिवेशंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में इंट्रो कर लेते हैं। आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। सो बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन आपकी एक प्रकार की ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें कि आप कार्य करने की क्षमता रखते हैं, मतलब यू हैव टू स्ट्रेंथ टू वर्क डन एंड विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर पर्सन एंड सिचुएशन। मतलब कि आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ से वो कर रहे हैं। इवन वैन चैलेंजिंग विदाउट गिविंग अप एंड नीडिंग अनदर टू एनकरेज दैम। ठीक है, जब कोई चैलेंज भी दे रहा हो आपको तो आप हार ना माने, गिव अप ना करें। यू हैव टू नीड, आपको ज़रूरत है कि आप इंक्रीज होकर उसे करें। सो पॉजिटिव एटीट्यूड्स की बात करने से पहले हम इसके टू टाइप्स कर लेते हैं, जो कि है इंट्रेंसिंग एंड एक्सट्रेंसिंग। सबसे पहले आता है इंट्रेंसिक। सो इंट्रेंसिक मोटिवेशन हमारी ऐसी मोटिवेशन है जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, या मतलब आप अब कोई वर्क एंजॉय कर रहे हैं कि आप हाँ इस वर्क को करने में मैं एंजॉय फील कर रहा हूँ, तो बगैर कि आपकी मोटिवेट होते हैं कि मैं हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। उसी तरह से एक्सटर्नल मोटिवेशन ऐसी मोटिवेशन हो जिसमें आप किसी बाहरी सिचुएशन या पर्सन से इन्फ्लुएंस होते हैं, या आपको प्रेरित करता है कि हाँ ये अच्छा वर्क कर रहा है, गुड वर्क ही डन बाय हिम या हर या हिज जो भी है, तो आप भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड सभी आजकल जानते हैं, दिखाते भी हैं, क्यों दिखाते हो ना सभी एक दूसरे को। चलो ये बात छोड़ते हैं पहले। तो यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की जा रही है, वो वाला एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड जिसमें आप किसी सर्टेन सिचुएशन या पर्सन या आइडिया को एकदम से सिचुएशन में सर्टेनली आप रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। एंड ये आपको हैप्पियर बनाता है एंड हेल्प्स यू टू इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेस, आपको सक्सेस होने के चांसेस इंक्रीज करता है। सो चलिए अब बात करते हैं ऐसे स्टेप्स जो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट आता है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, जिसमें कि आप बाहर जाइए, सैर करने जाइए सुबह सुबह जैसे आप उठते हैं। प्रैक्टिस योगा मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप एक्टिव फील करते हैं इन फ्रेश एयर में, ताज़ा हवा लेनी चाहिए सुबह सुबह। वैसे सभी बड़े लोग बुजुर्ग भी कहते हैं पर आप फॉलो नहीं करते, लेकिन कर लीजिए। बात करते हैं हेल्दी डाइट की। हेल्दी डाइट आपको बैलेंस्ड मील खाना, भोजन करना चाहिए जिसमें सभी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, फैट सभी इंक्लूडेड, ओके। यानी बात करते हैं ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ के बारे में। आपकी लाइफ की हर मूवमेंट ऑर्गेनाइज होने, शेड्यूल्ड होने चाहिए। आपको किस वर्क क्या करना है, आपको खेलना है, कूदना है, या जो भी आप करते हैं, वो सब शेड्यूल्ड होना चाहिए, टाइम टेबल के हिसाब से होना चाहिए। एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। आपकी रेस्ट आपकी बॉडी नीड्स करती है कि रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल इवेंट से, रिकवर होने के लिए वो इनफ रेस्ट मांगती है, तो आपको रेस्ट भी इनफ करना चाहिए। देन जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो होता है भैया आप हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड, अपनी हॉलीडेज फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करनी चाहिए कि आप एकदम से फ्रेश फील करते हैं, एंजॉय भी करना चाहिए लाइफ में। ऐसा थोड़ा है कि सारे दिन रट्टू तोते की तरह पढ़ते रहो। सो आज का इस सेशन का लास्ट टॉपिक वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। भाई स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस वैसे सभी जानते हो, अपनी स्ट्रेस जिसको टेंशन हो भाई, प्रेशर पड़ता हो आपकी डेली लाइफ का, उसे हम स्ट्रेस बोलेंगे। डेफिनेशन तो आपको मेरे PDF में मिल जाएगी, जो मैं इस यूनिट के ऑल सेशन कंप्लीट होने के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और इसको मैनेज करने के लिए आपको वही एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, बस तनाव भाई स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड रहना चाहिए थोड़ी देर के लिए, सही बिल्कुल फ्री हो के रहना चाहिए, ओके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। और ITS एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें जो ये नया जो कॉन्टेंट इसमें जोड़े गए ना, जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन भी बन सकते हैं, ओके, थैंक यू। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल फॉर मोर अपडेट्स, थैंक यू।